फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकबुक क्लासेस। तो मैकबुक क्लासेस में आपको पता है कि हम मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे, ठीक है, जिसके मैंने दो वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थ्री करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी। आज के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बट उससे पहले पार्ट टू में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, उसके आंसर्स आप देख सकते हैं गाइस स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है। तो ये है उन क्वेश्चंस के आंसर्स। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो मैं क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ, उससे पहले मैं आपको ये दो पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। इसके बेस पर ही हम आगे के क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है, इफ सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल, अगर दो चीजों का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर है, ठीक है, इक्वल है, एंड वन इज एट लॉस, अगर एक लॉस पर है, ठीक है, एक जो आइटम है वो लॉस पर है, एंड अदर इज एट प्रॉफिट, और दूसरा जो आइटम है वो प्रॉफिट पर है, ठीक है, लाभ हो रहा है अगर उसे, ठीक है, देन देयर विल बी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो आंसर हमारा क्या होगा, ना तो प्रॉफिट होगा उसे और ना लॉस होगा, ठीक है। ऑप्शंस में जो है कई बार क्वेश्चन आते हैं, इतने 20% लॉस, 30% प्रॉफिट, तो आपको सिर्फ ऑप्शन में चेक करना है, आंसर ये होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये बात आप ध्यान रखो, अगर दो आर्टिकल्स की सीपी बराबर है, ठीक है, और एक उस पर प्रॉफिट पे है और एक लॉस पे है, जैसे एक 10% प्रॉफिट एंड एक आइटम पे हुआ 10% प्रॉफिट और दूसरे पे हुआ 10% लॉस, सेम सेम मिलेंगे, ठीक है। ये भी इस क्वेश्चन इस पॉइंट की खासियत है इन क्वेश्चंस की। तो उसका आंसर हमेशा होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर सीपी इक्वल है तो। अब जो सेकंड है, ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सेकंड के ऊपर आते हैं, तो इस क्वेश्चन जो एक पॉइंट मैं आपको समझा रही हूँ उसको ध्यान से समझिए। इफ एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल, ठीक है, पहले केस में क्या था, सीपी थी, कॉस्ट प्राइस थी, क्रय मूल्य था, और इस केस में क्या है, सेलिंग प्राइस है। अगर सेलिंग प्राइस दो आर्टिकल्स की इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, एंड वन इज एट लॉस, अगर एक हानि पर है, एंड अदर इज एट प्रॉफिट, और दूसरा प्रॉफिट पर है, यहाँ पे भी लॉस और प्रॉफिट सेम होंगे, 10% है तो 10%, ठीक है, देन देयर इज लॉस ऑलवेज, तो हमेशा लॉस होगा। तो जो भी ऑप्शन में अगर आपको प्रॉफिट दिखाई दे तो उसको आपको क्रॉस कर देना है, क्योंकि आपका आंसर होगा लॉस वाला, ठीक है। लॉस कितने परसेंट होगा वो मैं आपको अब क्वेश्चन कराऊंगी, उसमें निकालना सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आगे जो है मैं इसी पे क्वेश्चन कराने वाली हूँ, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ए मैन सोल्ड टू टेबल्स फॉर ₹192 ईच, एक आदमी ने दो मेज जिसमें से प्रत्येक की कीमत है ₹192 में बेची है, ठीक है। वन इज एट लॉस ऑफ 20%, एक पे उसे लॉस हुआ है 20% का, ठीक है, एंड अदर इज एट प्रॉफिट ऑफ 20%, और दूसरे पे उसे मुनाफा हुआ है, लाभ हुआ है 20% का। ये देखो बिल्कुल सेम दे रखी है, जैसे मैंने दो पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे, आपको याद होगा, ठीक है। तो उन्हीं पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो हमें निकालना है उसका ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट क्या होगा। और इसमें ये देखो, इसमें जो एसपी है दो टेबल्स की, सोल्ड यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है, वो सेम है दोनों की, और प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम हुआ है, ठीक है। तो जो मैंने आपको अभी रिसेंटली सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि जब दो आर्टिकल्स का एसपी बराबर हो और एक पे लॉस हो और दूसरे पे प्रॉफिट हो रहा हो और वो सेम हो, ठीक है, ये भी बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है, तो उस केस में हमेशा क्या होगा, लॉस, देयर विल बी लॉस ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऑप्शंस में देखोगे कि किसी पे लिख रखा होगा इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो वो ऑप्शंस आपको कैंसिल कर देने हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें हमेशा लॉस ही होगा, कि जब दो आर्टिकल्स की एसपी बराबर हो, एक प्रॉफिट पे हो और एक लॉस पे हो, और दोनों का जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हो सेम हो, ठीक है, तो तब की बात नहीं। तो ये जो फॉर्मूला है, इसे चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इसमें जो फॉर्मूला होगा वो मैंने आपको बता दिया कि लॉस ही होगा और हमें निकालना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, एक्स लॉस परसेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 100, ठीक है। अभी एक्स क्या है, ये जो आपका दे रखा है 20, ये यहाँ पे हम लिखेंगे, दोनों सेम है ना, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स को हमें दो बार खोलना है, ठीक है, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स अपॉन में 100। अब एक्स की अब देखो दोनों सेम है, ठीक है, 20, तो यहाँ पे 20 × 20/100, तो जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो 25 × 100 होता है, 5 × 4 = 20, ठीक है, तो ये आपका आ गया 4% लॉस होगा इस केस में, ओके। तो आप देखो, ये 2 मिनट का काम है, जिस बच्चे को ये फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, वो जल्दी से अपना जो है क्वेश्चन निकाल लेगा, ठीक है। बस इसमें आपको ये देखना था कि एसपी जो है दो आर्टिकल्स की, दो टेबल्स की, वो सेम है, एक पे लॉस और एक पे प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको वो पॉइंट याद आ जाना चाहिए, हमें इस केस में हमेशा लॉस होता है, ठीक है। तो लॉस परसेंट क्या होगा, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बाय 100, ठीक है। तो बस आपको 20 × 20/100 ये करके निकालना, तो 4% लॉस आ गया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर इस केस में, ठीक है, अगर वो खरीदता, यहाँ पे मान लो सीपी आ जाता, ठीक है, अगर सोल्ड की जगह वो बोट लिख देता, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है, अगर जो है यहाँ पे बोट आ जाता,
ठीक है, ईच हर एक को प्रत्येक को 192 रुपए में खरीदता, एक पे उसे 20% का लॉस होता और एक दूसरे पे उसे 20% का प्रॉफिट होता। तो उस केस में अगर वो बोलता हमें ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताओ, ठीक है, ये ओवरऑल लॉस परसेंट है। ओके मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि ओवरऑल दोनों पर उसको क्या हुआ है, ठीक है, ओवरऑल उसको इस सौदे में क्या हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर यहाँ पे बोट हो जाता है, ठीक है, एक लॉस पे होता है, दूसरा प्रॉफिट पे होता है, सेम चीज होती है, 20-20% या 10-10% कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तो आपका क्या होगा उस केस में, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से नहीं लिख रही हूँ बोट वाले को, क्योंकि वो मैंने आपको यही एक्सप्लेन कर दिया है, हमें काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इस वजह से ये यहीं तक था, ठीक है। तो अब जो है मैं ये देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सेकंड क्वेश्चन जो ये हॉर्सेस वाले क्वेश्चन है, ये भी बेटा कई बार आए हैं, ठीक है। तो ये जो हॉर्सेस वाला है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जो इसके बाद मैं करवाऊंगी। अब ये जो दो पॉइंट्स थे वो मैंने जो एक्सप्लेन किया वो खत्म हो चुके हैं, इस क्वेश्चन के साथ अलग से हमारा शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो, ठीक है। तो ये जो हॉर्सेस वाले क्वेश्चन है ये भी आते हैं, ठीक है, और जो इसके बाद में एक और हॉर्स करूंगी, ठीक है, इन दोनों में अंतर है वो मैं आपको समझाती हूँ। ए मैन बोट टू हॉर्सेस फॉर ₹350, सॉरी 1350, 1350 रुपये में, ठीक है, 1350 रुपये में एक आदमी जो है दो घोड़े खरीदता है। यहाँ पे ईच नहीं लिख रखा, इस बात में आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ईच लिख रखा था, प्रत्येक अलग अलग, ठीक है, यहाँ पे इकट्ठे की कीमत दे रखी है। ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो चुका, अभी से जो है वही तक रखो, अब नए सिरे से हमारा हमारा जो है कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। एक आदमी ने दो घोड़े खरीदे हैं, कुल मिलाकर कितने रुपए के, 1350 रुपए के, ठीक है, 1350 रुपए के। ही सोल्ड वन ऑफ देम एट ए लॉस ऑफ 6%, एक पे उसे बेचते समय लॉस हुआ है 6% का हानि हुई है, एंड अदर इज एट प्रॉफिट ऑफ 7.5%, और दूसरे पे उसे लाभ हुआ है 7.5% का, ठीक है। ही नाइदर गेन्स नॉर लॉसेज इन इट, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, क्योंकि उसका लॉस भी हुआ, उसको प्रॉफिट भी हुआ है, ठीक है, तो इस केस में उसको अगर ओवरऑल देखा जाए, ना तो उसको जो है हानि हुई है, ना उसको लाभ हुआ है, ठीक है, यानी कि एक तरह से उसको हानि और लाभ बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब बराबर सही रहा, जितने भी उसने दोनों दोनों को खरीदा होगा कभी, उतने भी उसने बेच दिया, ठीक है, नसीबी और एसपी ज्यादातर बराबर है इसमें, ठीक है, क्योंकि इस सौदे में उसको क्या है, ना तो हानि हुई है और ना नुकसान हुआ है, ना लाभ हुआ है, ठीक है। फाइंड सीपी ऑफ ईच हॉर्स, हमें प्रत्येक हॉर्स की सीपी निकालनी है, उसको उसने उन दोनों घोड़ों को कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे आप देख सकते हो कि हमें त्रैमूल्य निकालना है प्रत्येक हॉर्स का, घोड़े का, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इसमें देखो दोनों की खरीद मूल्य जो है वो दे रखा हमारे, हमें 1350, ठीक है, खरीदे उसने दोनों का इकट्ठा, तो लेट हम लेट कर लेते हैं, लेट क्योंकि यही हमें निकालना है सीपी, लेट सीपी ऑफ फर्स्ट हॉर्स, मान लो पहले घोड़े का जो सीपी है वो हमारे जो लॉस दे रखा है ना, एक पल के लिए हम इसे मान लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो ध्यान रहे दे रखा है, नाइदर गेन्स नोर लॉसेज इन इट, ठीक है, ये आपको मिलेगा इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो लेट सीपी ऑफ ईच हॉर्स, सॉरी फर्स्ट हॉर्स क्या है, 6% है ना, इसको मान लो 6x मान लिया, ठीक है, इसमें लेट कर लग करके चलेंगे कि मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है पहले घोड़े का वो 6x है। तो सीपी ऑफ सेकंड हॉर्स, दूसरे घोड़े का हम सीपी मान लेते हैं, ये जो प्रॉफिट दे रखा हमें 7.5, इसको मान लेते हैं हम 7.5x, ठीक है। हमें क्रय मूल्य निकालना था तो हमने लेट कर लिया, जो इसमें लॉस और प्रॉफिट दे रखा है इन्होंने, इनको ही हमने सीपी की तरह लेट कर लिया, ठीक है। लेट सीपी ऑफ फर्स्ट हॉर्स 6x एंड सीपी ऑफ सेकंड हॉर्स 7.5x, अब ये दोनों का सीपी है, ठीक है, और हमें टोटल सीपी कितना दिया हमें क्वेश्चन में, 1350, ठीक है। तो हम दोनों सीपी को ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों हॉर्सेस के सीपी को, क्रय मूल्य को, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6x प्लस 7.5x, ठीक है, वो हमारा किसके बराबर रख देंगे, 1350 के, क्योंकि क्वेश्चन में यही गिवन है, ठीक है। तो अभी दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 13.5x, ठीक है, 6 और 7.5 का जब हम जोड़ेंगे तो 13.5x आ जाएगा बराबर 1350। तो जब हम सोल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 100, ठीक है। x की वैल्यू जब हम यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में जाएगा, ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 100, ठीक है। तो अब x, अभी देखो कई बच्चे लिख देंगे कि यहाँ पे देखो सीपी, अब देखो हमें सीपी निकालना था, तो अगर हम x की वैल्यू इसमें पुट कर दे तो हमारा सीपी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप मत करना, अभी बहुत जरूरी बात मैं इसमें बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। तो देयरफॉर फर्स्ट हॉर्स, देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ,
यहाँ पे हमारा आ गया एक्स की वैल्यू पुट करने पे 600, और यहाँ पे जब हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 100, मैं आपको पुट करके भी दिखा देती हूँ। पॉइंट है, पॉइंट को हटाओगे, पॉइंट का आ गया 1 और पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो एक जीरो आ गई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, एक्स है ना तो एक्स क्या है 100, तो इसको काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 750, ठीक है। अब कई बच्चे अब क्वेश्चन में पूछा होगा, ऑप्शन में आएगा कि जो है पहले घोड़े की सीपी बताओ, तो कई बच्चे जल्दी से देंगे भी 600 रुपए नहीं। इस क्वेश्चन में आपको यही देखना है कि अगर आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है ये, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे, ठीक है। सीपी ऑफ फर्स्ट हॉर्स हमारी क्या आएगी, 600 नहीं आएगी, ठीक है, हमारी आएगी 750 रुपए, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। और सीपी ऑफ सेकेंड हॉर्स, सेकेंड हॉर्स के सामने देखो आप देख सकते हो 750 है, 750 नहीं है, वो है 600, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमारे आंसर्स आएंगे आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, देन वी हैव टू चेंज अवर आंसर्स, इंटरचेंज अवर आंसर्स, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट हॉर्स है, तो आफ्टर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आफ्टर इंटरचेंजिंग, आफ्टर इंटरचेंजिंग, ये वाला जो स्टेप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप जो भी है आप यहाँ पर जो खत्म कर देंगे क्वेश्चंस को यहाँ पे, तो आपका गलत हो जाना है। पूरा क्वेश्चन आप ठीक करोगे, लास्ट में जाके गलत कर दोगे तो गलत हो जाना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को इस वाले तरीके से करते हो, जबकि मैं इसी वाले तरीके से करती हूँ, बहुत आसान तरीका है ये, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। भाई आपने ये देखा कि दो घोड़ों की जो है सीपी, ठीक है, जो उसने जो दो घोड़े खरीदे हैं वो कुल मिला के 1350 रुपए के खरीदे हैं, ठीक है। अब एक में उसे लॉस हुआ है 6% का, दूसरे में प्रॉफिट हुआ है, हमें सीपी निकालना है कि उसने कितने रुपए में प्रत्येक घोड़े को खरीदा था। ये क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करोगे, जो इनका ये लॉस और जो ये परसेंटेज मिले रखा है हम इसी को सीपी लेट कर लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमने सीपी लेट करी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें दोनों घोड़ों को प्लस करके ही दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों की सीपी को हमने ऐड कर लिया, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एक्स की वैल्यू को हमने जो लेट किया था इसमें पुट कर दिया, बट आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, दीज आर नॉट अवर आंसर्स, ठीक है, हमारे आंसर्स ये नहीं है, वी गेट अवर आंसर्स आफ्टर इंटरचेंजिंग देम, ठीक है। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट हॉर्स जो है सीपीओ फर्स्ट हॉर्स हमारी 600 नहीं है, वो हमारी क्या है 750 रुपए, ठीक है, और जो सीपीओ सेकंड हॉर्स है वो हमारी 750 नहीं है, 600 रुपए है। तो ये हमारे करेक्ट आंसर्स है, ठीक है। तो ये वाला, तो इस क्वेश्चन में आप देखो ये हॉर्स वाले क्वेश्चन है, जिसमें ये आएगा नाइदर गेंस नॉर लॉसेज इन इट, ठीक है। तो ये है, तो चलिए आज जो है हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी हॉर्स से रिलेटेड है। आज का थर्ड क्वेश्चन, ए पर्सन बोट टू हॉर्सेज फॉर ₹690, एक आदमी ने दो घोड़े खरीदे हैं 690 रुपए की, ठीक है, यहाँ पे कोई ईच वीच नहीं लिख रखा, ठीक है, दोनों की कुल मिलाकर कीमत दे रखी है 690 रुपए, उसने दो घोड़े खरीदे, यहाँ पे हॉर्सेस के लिए कुछ और भी आ सकता है, ओके, ही सोल्ड वन ऑफ देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, एक पे उसे बेचकर लाभ हुआ है 10% का, एंड अदर इज एट, इज आ रहे यहाँ पे, एंड अदर इज एट प्रॉफिट ऑफ 20%, और दूसरे पे भी उसे, दूसरे पे भी उसे प्रॉफिट हुआ है 20% का, ठीक है, दोनों केसेस में इसको लाभ हुआ है। He found that SP of both horses are equal. और उसने क्या पाया कि दोनों जो horses का जो SP है, जो selling price है, जो विक्रय मूल्य है, वो बराबर है, ठीक है। तो find CP of each horse. हमें प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें जो ये वाली बात है ना कि SP of both horses are equal, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो जो ये जो सेकंड टाइप को जो मैं करवा रही हूँ आपको हॉर्सेस वाला क्वेश्चन, ये अलग है, क्योंकि उसमें क्या था, नो प्रॉफिट नो लॉस, देन आपको वो जो मैंने तरीका बताया है कि जो भी उसके लॉस, उसमें क्या था, एक लॉस था एक प्रॉफिट था, ठीक है। तो आप उन्होंने उन दोनों को ही सीपी लेट कर लिया था, ठीक है, रिमाइंड करो, अभी मैंने क्वेश्चन करवाया है। बट इसमें क्या है कि दोनों को उसे, दोनों केसेस में उसे प्रॉफिट हो रहा है, और जो एसपी है दोनों हॉर्सेस को का वो इक्वल है, उस केस में क्या था, नाइदर लॉसेस नॉर गेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अलग है उससे, तो इस केस में भी हमें निकालना है सीपी ऑफ ईच हॉर्स, ठीक है। तो इसका मैं ट्रिक बता देती हूँ आपको, ये क्वेश्चन भी काफी बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के। तो इसमें आप देखो टोटल सीपी कितना दे रखा है, टोटल सीपी गिवन है, टोटल क्रय मूल्य हमारा कॉस्ट प्राइस गिवन है 690, ठीक है। अब एक पे, ठीक है, एक पे उसे प्रॉफिट हुआ कितना 10%, मान लो ये फर्स्ट पे क्या है 10% का उसे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है 10%, और सेकंड पे उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है 20%, ठीक है, ये सेकंड पे हुआ उसे। आगे देखो
यानी कि 10% का मतलब क्या है कि मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी तो 110 रुपए में बेची थी उसने, ठीक है। ऐसे 20% का क्या मतलब है, कोई चीज 100 रुपए की थी, ठीक है, और उसने 120 रुपए में उसको बेच दिया, ठीक है, हम ये सोच सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इसका क्या ट्रिक है, जब आपके सामने ये आ जाए कि एसक्यू बोथ हॉर्सेस आर इक्वल, ठीक है, जब ये वाला आ जाए क्वेश्चन, तो इसमें आपको क्या करना है, यहीं पे इसको रेशियो में बदल दो, ठीक है। अब 100 से 100 कट जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारी रेशियो आ गई 11:12, ये हमारी रेशियो आ गई 11:12, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इनको सिमिलर करना है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसमें तो हमने तभी डायरेक्ट उसको मान लिया था सीपी, जो भी लॉस और प्रॉफिट गिवन था उसको हमने सीपी मान लिया, बट इस केस में क्या करना है, रेशो जो है बनानी है पहले, देन इनको सीपी लेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, लेट सीपी ऑफ फर्स्ट हॉर्स वो हमारी कितनी है, 11x, ठीक है, सीपी ऑफ फर्स्ट हॉर्स हमारी 11x है, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है तो इस वजह से मैं कर रही हूँ यहाँ से, और सीपी ऑफ सेकेंड हॉर्स वो हमारी है 12x। अब क्योंकि हमें टोटल 31 सीपी दे रखी है 690, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है, दोनों सीपी को, तो 11x प्लस 12x इज इक्वल टू 690 रुपए, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 23x इज इक्वल टू 690, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 600, ये देखो मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 30x की वैल्यू, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगी आपकी 30। इसको नीचे लेके आओगे 23 3 जा 69 होता है, ठीक है, तो ये 30 आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 30, ठीक है, ये नीचे इधर जाके डिवाइड हो जाएगा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो x की वैल्यू जब आप इसको सोल्व करोगे हमारी आ जाएगी 30। अब सीपी ऑफ फर्स्ट हॉर्स, अब देखो 11 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी बहुत ध्यान इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भी ये होर्सी जो भी आप ये मेरी वाली ट्रिक अपना रहे हो, इसमें क्या है, आपको फाइनल आंसर आने के बाद उनको इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करना बिल्कुल ना भूले, वरना आपका क्या कराया क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 11 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 30 से, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट का आ जाएगा 330, ठीक है, हमारी फर्स्ट सीबी में यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगी हमारी 330, ठीक है। और जब आप सेकेंड 12 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे x से तो ये आ जाएगा 360, ठीक है, 12 3 36 होता है, ठीक है। तो ये सीपी ऑफ फर्स्ट हॉर्स हमारी 330 आ जाएगी, और सीपी ऑफ सेकंड हॉर्स आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ x हमारा आंसर आ जाएगा 360, बट ये हमारे आंसर्स नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें फाइनल आंसर्स को इंटरचेंज करना है। तो अगर आपका ये पूछा जाए कि सी ऑप्शन में आ जाए कि सीपी ऑफ फर्स्ट हॉर्स बताओ, तो अगर आपने 330 बता दिया तो आपका गलत हो जाना है टोटली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर क्या है, आफ्टर इंटरचेंजिंग हमें इंटरचेंज करना है, ठीक है। अगर आप ये मेरे वाले ट्रिक अपना रहे हो तो फिर फाइनल आंसर्स को आपको हॉर्सेस वाले क्वेश्चन में इंटरचेंज करना है, ठीक है, क्योंकि आसान से ट्रिक है, आसान से तरीका, इस वजह से हमें ये करना पड़ता है और आंसर को इंटरचेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग सीपी ऑफ फर्स्ट हॉर्स, ठीक है, सीपी ऑफ फर्स्ट हॉर्स हमारी क्या आ जाएगी, इंटरचेंज करो 360 रुपए, कि पहले जो घोड़ा है उसने उसको 360 रुपए में खरीदा था, और सीपी ऑफ सेकंड हॉर्स ये आ जाएगी हमारी 330 रुपए, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि हमने जो है आंसर्स को इंटरचेंज किया, फर्स्ट हॉर्स की हमारी 330 नहीं है, हमारी 360 रुपए है, और सेकंड हॉर्स की हमारी 360 नहीं है, 330 रुपए है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये जो दो टाइप मैंने आपको हॉर्स वाले करवाए काफी इंपॉर्टेंट है, तो गाइस इनको ध्यान से समझिए, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी कई बार आ जाता है पेपर में, ठीक है, तो इसमें चलिए ये फोर्थ क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹19.50 ए मर्चेंट अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%, एक आर्टिकल को ₹19.50 में बेचकर एक आदमी का, एक मर्चेंट है, व्यापारी है, उसको प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है 30% का, इन ऑर्डर टू गेट 40% प्रॉफिट, लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है 30% से, ठीक है, तो वो सोच रहा है कि मैं 40% का प्रॉफिट कमा लूं, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू गेट 40% प्रॉफिट हाउ मच ही शुड इंक्रीज इट सेलिंग प्राइस, तो उसको अपनी सेलिंग प्राइस में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, अभी तो वो 19.50 रुपए की बेच रहा है, तो वो 40% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसके लिए अपने सेलिंग प्राइस में उसको कितने रुपए की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी हमें निकालना है, ठीक है। एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड हाउ मच ही शुड, ये वही है,
अच्छा मैंने दो बार लिख दिया है, कोई बात नहीं, आई एम सो मच सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये लिख सकता है, ये भी पूछ सकता है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑल्सो, ऑल्सो फाइंड एसपी। ठीक है, तो हमें जो एसपी भी निकालनी है और हमें ये भी बताना है कि कितना उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, जो डिफरेंस होता है वो भी हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो 40% प्रॉफिट कमाने के लिए हाउ मच ही शुड इंक्रीज इट सेलिंग प्राइस एंड ऑल्सो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चलो करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि इसमें एसपी गिवन है लेकिन हमें कहीं भी सीपी गिवन नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि किसी तरह से सीपी निकल जाए। कई बार हम लेट कर लेते हैं, आपने देखा पिछले वाले क्वेश्चंस में, और कई बार क्या होता है, और ये जो फर्स्ट लाइन में देखो इसमें एसपी दे रखा है और आंसर प्रॉफिट ऑफ 30%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हमारे पास गिवन है और एसपी गिवन है। तो फर्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया फॉर्मूले को। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसमें कि एसपी इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई 100 में कुछ प्लस करेंगे या माइनस करेंगे और अपॉन में 100, ये जो फॉर्मूला है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस की जितने भी हम आगे वीडियोस करेंगे उसमें यही फॉर्मूला ज्यादातर हम अपनाने वाले हैं। ठीक है, अब ये देखो एसपी इसमें गिवन है 19.50। ठीक है, सीपी हमें फाइंड आउट करना है, अगर हमारा क्वेश्चन में सीपी निकल गया तो सब कुछ निकल गया। ठीक है, तो सीपी अब देखो प्लस किसमें करना है, जो प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट हुआ है हमें इसमें, और माइनस किसमें करना है जब लॉस हो। तो फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो, वहां पे अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है 30% का अभी फिलहाल, तो 100 में हम 30 प्लस करेंगे तो ये आ गया 130 अपॉन में 100। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारी जो सीपी है वो हमारी आ जाएगी 15 रुपीज। ठीक है, हमारी सीपी कितनी आ जाएगी, 15 रुपीज आ जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ सकते हो 130 की रुपया मैंने 100 में, मैंने 30 को प्लस किया है, तो 100 प्लस 130। ठीक है, तो ऐसे आया है इस फॉर्मूले में पुट करके सीपी हमारी 15 रुपये आ गई है। अब जो वो पूछ रहे हैं वो करते हैं। ठीक है, सीपी हमारी आ गई 40% प्रॉफिट कमाने के लिए, सेम हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो ऊपर किया था। ठीक है, तो एसपी हमें फाइंड आउट करनी है ना, एसपी निकालो अगर वो 40% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो एसपी हम निकाल सकते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले से। अब सीपी हमारे पास आ चुका है 50। ठीक है, मल्टीप्लाई अब 100 में कितना प्लस करेंगे 40। ठीक है, क्योंकि इस केस में वो 40% प्रॉफिट लेना चाहता है, तो 100 प्लस 40 140 हो गया। सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है अपॉन में 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा जो एसपी है वो हमारा आ जाएगा 21 रुपीज। ठीक है, एसपी हमारा कितना आ जाएगा 21 रुपीज, और इसने यही बोला है क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया कि फाइंड एसपी। तो एसपी हमारा आ गया 40% प्रॉफिट अगर वो कमाना चाहता है तो उसको अपनी जो चीज है वो 19.5 की नहीं 21 रुपए में बेचनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसने एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है हाउ मच ही शुड इंक्रीज इट सेलिंग प्राइस, अपने सेलिंग प्राइस में कितने बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले 19.5 की बेच रहा था, अब 21 की बेच रहा है, तो कितना डिफरेंस हो गया 1.5 रुपए का। ठीक है, तो देयरफॉर ही शुड इंक्रीज इट्स सेलिंग प्राइस बाय, अब इसको माइनस कर दो, 21 minus 19.50। तो ये आ गया हमारा, ये मुंह पर लिख देती हूँ, यहाँ पे आपको दिखने में दिक्कत होगी, इज इक्वल टू 1.50 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। उसको इस 21 रुपए की एसपी बेचनी पड़ेगी और कितना उसे बढ़ोतरी करनी पड़ेगी अपने एसपी में 1.5 रुपए की। ठीक है, अगर वो 40% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, बस आपने इस फॉर्मूले का यूज किया है। जिस बच्चे को ये फॉर्मूले आते हैं, ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो एसपी जो है वो गिवन थी, इस केस में प्रॉफिट परसेंट गिवन है। ठीक है, तो हमने सीपी फाइंड आउट कर ली, सीपी फाइंड आउट जैसे हमारी हो जाती है तो हम आगे जो भी वो कुछ पूछे हम वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 40% प्रॉफिट था तो हमने यहाँ पे 100 में 40 प्लस किया। ठीक है, और अपनी एसपी निकाल ली और कितना उसे इंक्रीज करना है 1.5 रुपए का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, अभी जो प्रैक्टिस जो है क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस है मैं इस वीडियो में नहीं दूंगी, जो मैं पार्ट 4 करवाऊंगी। ठीक है, जो आगे मैं आपको चीनी वाले क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, शुगर वाले। ठीक है, और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें जो है मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में करवाऊंगी। ठीक है, तो तब मैं आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 की क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस इकट्ठे दे दूंगी। ठीक है, तो गाइस अगर अच्छी लगी हुई वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अब तक अपने दोस्तों को या फैमिली मेंबर्स को नहीं बताया है जो गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप इनको जरूर बताएं।
ठीक है चैनल के बारे में, ताकि वो भी सीख सके। ठीक है, और कुछ कुछ चीजें हर एक चैनल से ले लेनी चाहिए। तो आई थिंक आपको आज का जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस टाइम। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 4 में। तब तक के लिए गुड लक।